स्वागतम, नमस्कार। यू हैव ट्यूनिंग टू फर्स्ट बॉर्न हिंदी। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरे शिवन्या के लिए लिया हुआ स्टॉलर का एक्सपीरियंस, क्योंकि काफी लोगों को स्टॉलर जब लेना होता है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कौन सी कंपनी का ले, क्या क्या फीचर्स उसमें ऐड होने चाहिए और बहुत सारी चीजें। तो मैंने सोचा मैं आपसे मेरा स्टॉलर जो मैंने लिया था ये R4 रैबिट कंपनी से है, लॉलीपॉप स्टॉलर, जो 2018 में लगभग सितंबर के आसपास लिया था, तब से यूज हो रहा है। तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है और रिजनेबल प्राइस में था, तो मैंने सोचा मैं आपसे इसके फीचर्स शेयर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताती हूँ। शिवन ने आके बैठ दिए, जैसे ही मैंने स्टॉलर खोला, मुझे बैठना है करके। तो सबसे पहले बताती हूँ इसकी 5 पॉइंट सेफ्टी। तो यहाँ पे इस तरीके का बेल्ट दिया गया है, आप ये देख सकते हैं, जिसमें 5 पॉइंट सेफ्टी है। इस तरीके से आप बच्चे को पहना सकते हो और फिर यहाँ पे आपको ये बकल अप करना है, जिसकी वजह से बच्चे के हाथ भी अच्छे तरीके से बंद रहेंगे, यहाँ कमर से भी बंद रहेगा और आगे से भी बंद रहेगा, तो बच्चे के गिरने के बिल्कुल भी कम चांसेस रहेंगे, इनफैक्ट नहीं रहेंगे। और यहाँ पे इस तरीके का ये एक छोटा कुशन जैसे समझ सकते हैं आप, वैसा भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे बेबी को मतलब लगने के भी चांसेस नहीं रहेंगे। यहाँ से एक खो गया है क्योंकि ये स्टॉलर हमने बहुत ही ज्यादा यूज किया है। तो ये सेफ्टी के हिसाब से अगर आप बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। स्टॉलर है ये फोल्डेबल है, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप पीछे देखेंगे तो आपके जो लास्ट रॉड दिख रहा है वहां पे नीचे की तरफ पुश करके आप इसको बंद कर सकते हैं। तो यूजुअली आई यूज माय लेग फॉर दैट, तो ऐसे पुश किया और ये ऐसे बंद हो गया। इस तरीके से आप इसको बंद कर सकते हैं और इसको बंद करने के बाद यहाँ पे एक ऐसे हुक जैसा कुछ दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पे इस तरीके से बंद कर सकते हैं, तो ये स्टॉलर आपका लॉक हो गया। और इसको अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं नॉर्मली, आप अगर उसको उठा के लेके जाना चाहते हैं तो ऐसे आप लेके जा सकते हैं। जब इसको आपको खोलना है तो सिर्फ ऐसा थोड़ा सा प्रेशर देके आप खोल सकते हो। इसमें दूसरी जो एक बहुत ही अच्छी चीज है वो है 3-level एक्सपांशन। बच्चा अगर बैठा है तो उसके लिए भी अच्छा है, अगर आपको बच्चे को थोड़ा स्लांट पोजिशन में रखना है तो यहाँ पे ये जो रॉड दिया हुआ है यहाँ से आपको थोड़ा प्रेस करना है ताकि ये थोड़ा नीचे आएगा और इधर जो यहाँ पे एक जगह जैसा है वहां पे वो फिक्स हो जाएगा। देखिए ये 3 पॉइंट्स है, ये जो है सबसे पहला पॉइंट है जहां पे बच्चा बैठा रहेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा स्लांट पोजिशन में रहेगा यानी कि इस तरीके से, और फिर बाद में फिर से अगर आप करेंगे तो ये है स्लीपिंग पोजिशन, यानी कि ऐसे आप बच्चे को आराम से इसमें लेटा सकते हैं और लेटाने के बाद भी आप ये जो सेफ्टी हार्नेस है वो तो आप लगा ही सकते हो, तो उस तरीके से भी बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम ये इसको फिर से उसी जगह पे ला लेते हैं, ठीक है। तो ये अगेन सिटिंग पोजिशन में हो गया है। इसके ऊपर की बात करें तो यहाँ पे ये छाते जैसा दिया हुआ है, मतलब बच्चा अगर बैठा है तो उसको रेन से प्रोटेक्शन मिल सकता है, और ऊपर यहाँ पे एक नेट जैसा दिया हुआ है ताकि जब हम यहाँ से चलाते हैं तो हम बच्चे का मुंह यहाँ से आराम से देख सकते हैं, तो हमको पता चले कि बच्चा सो रहा है, जाग रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। और जब जैसे कि धूप आ रही है वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं उसको, बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरा जो इसका मुझे एडवांटेज लगता है वो है कि आप इसका जो हैंडल है इसको रिवर्स भी कर सकते हो। यहाँ पे दो ब्लैक कलर के जो दिए हुए हैं वो आपको पुश करने हैं ऊपर की तरफ, और वो पुश करके आप ये हैंडल जो है वो इस तरीके से रिवर्स कर सकते हो, यानी कि अब आप स्टॉलर इस साइड से चला सकते हो। बट ये मुझे थोड़ा कन्वीनियंट नहीं लगता, यही एक चीज मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगती इसमें, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। क्योंकि इसके जो आगे के व्हील है वो गोल गोल घूमते हैं और पीछे के व्हील है वो स्ट्रेट चलते हैं, तो इसकी वजह से इसको ऐसे चलाने में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता है। बट अगर थोड़े समय के लिए आप अपने बच्चे को इस तरीके से अपने सामने मुंह करके लेटाना चाहते हो तो वैसे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और फिर जब आप चाहो तब फिर से इसको इस तरीके से
ऊपर की तरफ पुश करके इसको पीछे लॉक कर सकते हैं। तो अब अगर व्हील्स की बात करें तो इसके जो आगे के व्हील्स हैं बहुत ही स्ट्रांग, मजबूत है एकदम। इसमें ये जो व्हील है पूरा गोल गोल घूमता है, ताकि आप जब भी बच्चे को लेके जा रहे हैं तो ये स्टॉलर कहीं भी आप ऐसे घुमाएं तो आराम से मुड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस इसमें ये ब्रेक दिए हुए हैं, इसको अगर आप इस तरीके से पुश करेंगे तो यहाँ पे ये लॉक हो जाएगा। देखिए ये अभी आगे नहीं जा रहा है, घिस रहा है, मतलब कि ये स्टॉप हो गया है। तो आपका स्टॉलर जो है वो एकदम सेफ्टी से पार्क हो जाएगा। सेम पीछे के जो व्हील है उसमें भी इस तरीके की ब्रेक सिस्टम दी हुई है, यहाँ पे भी आप ऐसे लॉक कर सकते हो, ताकि अब ये जो स्टॉलर है अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो ये सबसे अच्छी बात है, पीछे के जो व्हील्स हैं वो स्टेडी ऐसे ही फिरते हैं, सिर्फ बैक एंड फोर्थ, लेकिन ये जो आगे की व्हील्स हैं वो पूरी मूवमेंट करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ये अगेन यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सेफ है। ये इतना ज्यादा हमने यूज किया हुआ है, मैं इसको लेके नेदरलैंड्स, जैसे मैंने बोला सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सब जगह पे फिरी हूँ, बहुत ही ज्यादा ये स्टॉलर घूमा है। कभी ट्रेन में लेके चढ़ना, कभी फेरी में लेके जाना, बहुत सारी चीजें की है। तो ये बहुत ही ज्यादा हमको अच्छा पड़ा है, अब तक ये इस्तेमाल हुआ है बहुत ज्यादा, लेकिन कोई तकलीफ नहीं हुई है। फिर यहाँ पे आपको स्टोरेज भी दिया जाता है, आप इसमें अपनी छोटी छोटी चीजें रख सकते हो, जैसे दूध की बॉटल्स रख सकते हो, स्वेटर रख सकते हो, जो भी आप चाहो कन्वीनियंट चीज अपने हिसाब से रख सकते हैं। और पीछे भी यहाँ पे एक छोटा सा पॉकेट जैसा भी है, तो दिस यू कैन यूज टू कीप योर मे बी डायपर्स और दूध की बॉटल और रुमाल वगैरह। ये थोड़ा ये वॉशेबल है, तो अगर आप इसको वॉश करना चाहें तो ये वाला जो पोर्शन है आगे का, इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, यहां से इसके ये देखिए, इसको आप निकाल देंगे और फिर आराम से वॉश कर सकेंगे। और जो पीछे का पोर्शन है वो आप निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप साबुन वाले कपड़े से अच्छी तरीके से रब कर लेंगे तो बहुत ही क्लीन हो जाएगा। जो व्हील्स हैं तो व्हील सस्पेंशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आप रास्ते पे लेके जा रहे हैं, थोड़े खड्डे आते हैं, ऊपर नीचे जमीन होती है, तो बच्चे को इससे शॉक बहुत ही कम लगेगा और बच्चे को कंफर्टेबल राइड लगेगी। तो उस हिसाब से भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये जो प्लेट मैंने आपको आगे बताया, वैसे यहां से आपको ऐसे करनी है ताकि बच्चे के पैर आप रख सको। अगर बच्चा बहुत ही ज्यादा छोटा है तो आप इसको कुछ खाना वाना खिलाते टाइम खाना रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इसको इस तरीके से नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये देखिए, ये जो सेफ्टी मेजर ही आप बोल सकते हो, तो यहाँ पे जो बच्चे के पैर एकदम खुले रहेंगे उसके बदले यहाँ पे हम ऐसे लॉक कर देंगे, तो एक पाँव एक जगह पे और दूसरा पाँव दूसरी जगह पे रहेगा, तो बच्चा एकदम कंफर्टेबल फील करेगा। ये जो स्टॉलर है वो 0 to 3 years के बेबीज के लिए है, वेट 20 kgs तक ये खींच सकता है। तो आराम से आप एटलीस्ट 3 साल तक तो चिंता किए बिना बच्चे को बिठा ही सकते हैं, और शायद उसके आगे भी अगर बच्चे का वजन उस तरीके से सूट होता है तो आप बिठा ही सकते हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा ये कन्वीनियंट चीज है। दूसरा कि इसमें लॉकिंग सिस्टम भी है, जब आप इस पोजीशन में स्टॉलर को रखते हैं तो यहाँ से एक हुक जैसा है, इसको यहाँ पे आपको लगाना होता है। इससे क्या होगा, स्टॉलर आपका फिक्स पोजीशन में आ जाएगा, और फिर क्या होगा, ये फोल्डेबल स्टॉलर है तो एकदम से बंद होने के चांसेस नहीं रहेंगे, ताकि बच्चे को कोई हार्म नहीं होगा, आराम से ये फिक्स रहेगा, ये बंद नहीं होगा। ओवरऑल ये जो स्टॉलर है एकदम स्टर्डी और लाइट वेट भी है, तो आप आराम से इसको हाथ में भी उठा के फोल्ड करके लेके जा सकते हो। मैंने जब भी ट्रैवल किया था इंटरनेशनल, तो जब भी गेट के पास जाते हैं और बोर्डिंग करते हैं उसके पहले ये स्टॉलर रख लेना होता है, तो हम आराम से इसको फोल्ड करके बड़ी सी थैली देते थे उसमें डाल देते थे, और फिर जब भी स्टॉलर आता था दूसरी जगह पे जब हम पहुंचते थे तो वहां से भी आराम से इसको उठा लेते थे, कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। तो ये इतना ज्यादा घुमा है, मैं आपको इतनी तो गारंटी दे सकती हूँ कि ये एटलीस्ट 2 साल तो मिनिमम चलेगा, हमने इसका कंटिन्यूस यूज किया हुआ है। दूसरा, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि स्टॉलर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट
आप जरूर खरीदिए, क्योंकि भले ही आप इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे, लेकिन आप अगर बच्चे को लेके कहीं घूमने जाना चाहते हैं, जैसे कि नीचे आप बच्चे को पार्क में लेके गए या थोड़ा वॉक कराने लेके गए, तो इसमें ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ही कंफर्टेबल आपको और बेबी को दोनों को रहेगा। और प्लस पॉइंट तो इसका है ही कि ट्रैवलिंग में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। हमने इतना ज्यादा शिव ने को इसमें बिठाया है, सुलाया है, कि हमारी तो बहुत ही ज्यादा मेमोरीज इसके साथ जुड़ी हुई है। और एक्चुअली अब ये सॉरी इतना इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि शिवन्या बड़ी हो गई है, लेकिन आई मेक श्योर कि कभी कभी उसको मैं घर में भी इसमें बिठा देती हूँ, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले वो बैठ गई थी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और फर्स्ट बॉर्न हिंदी को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगर आपको ये खरीदना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।